God always will be best for me. Thanks God. Thanks to God. Yeah, because God is always time loves me, no? That's why. Because He is great, no? Yani Bhagwan jo hamara hai, wo bahut bahut hi pyar karte hain mujhse. Yani Yeshu jiska naam, unhone itna pyar kiya hai, itna pyar karte hain ki hum unke paas kitne bhi aaye. Kya baat hai. Thank you. Wow. Mujhe yahan aake bahut khushi mili hai, bahut. Main उनकी वजह से उनकी आंखों में तो खुशी की आंसू आ गए. वाओ, हाउ स्वीट. देखो दुख की आंसू जो मैं भी कभी कभी खुशी से रोती थी. देखिए ये सफर आप लोगों की वजह से हुआ है. ये इतना इनफॉर्मल हम लोग जो बात कर रहे हैं वो इतना जरूरी है क्योंकि ये हर इंसान कितनी मेहनत से हर घर में जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसके लिए दुआएं की जाती है. फिर उसके टैलेंट को आगे लेके जाने के लिए हम लोग पता नहीं क्या करते हैं. साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि हर स्टेज पर जो मुझे इंस्पायर करती हैं और इस फिल्म को जिन्होंने लिखा है स्क्रीन प्ले माय वाइफ सोनिया एंड मेरे ये जो एक अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन समझते हैं जहाँ तक भी मैं पहुँच पाया तो एक मेरे पिताजी हैं जिन्होंने मुझे एक गुरु बनकर एक टीचर बनकर ही इज़ द बैकबोन ऑफ माय सक्सेस. ही इज़ जिसकी वजह से मैं म्यूज़िक या कुछ भी काम कर पाता हूँ. और एक मेरी बीवी है सोनिया जो मुझे ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मजबूर करती है कि वो लुक जो मेरा हुआ करता था और उससे आज एवरी स्टेज पर कुछ और बेहतर करने की कोशिश जो मैं कर रहा हूँ वो मेरे पिताजी और मेरी बीवी सोनिया की वजह से. ऑफ कोर्स आल्सो फॉर माय मदर. एंड अतिंदर जी को मैं ज़रूर इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा जो जिन्होंने वो वीडियो बनाया जिसकी वजह से रानू जी वायरल हो गई और फिर हमारे शो पे आए और हमारे उस शो से सुपरस्टार सिंगर से हमने पता नहीं क्या लगा मुझे जहाँ से मुझे लगा कि भाई मैं डेफिनेटली एक ऐसी कशिश थी उनकी आवाज़ में तो मैंने एक वादा कर लिया कि उन्हें रिकॉर्ड करवाना चाहिए. उसके बाद रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जब वो क्लिप बन गया वो मेकिंग हो गई क्योंकि हम उसे रिकॉर्ड कर रहे थे. उसके बाद मैंने दीपशिखा जी से बात की, शी इज़ द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म, कुमार जी से बात की, इज द म्यूजिक कंपनी एंड इतना सपोर्ट किया उन लोगों ने. तो रानू जी ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि बहुत लोगों का हाथ है और सबसे ज़्यादा हमारी जनता का. उन्होंने इतना प्यार दिया है आपको. बस आज मैं इस पूरी ऑडियंस के बारे में ऑडियंस से यही कहना चाहूँगा कि जस्ट इनको और आगे लेके जाइए, आप इनसे और काम करवाइए. बहुत ज़्यादा ये स्टेज पे परफॉर्म अच्छा करेंगी, बहुत बहुत सुरीला गाती है. हम इनसे हमारा नेक्स्ट गाना भी आशिकी में तेरी जो मैं रिक्रिएट कर रहा हूँ जो कुमार जी के लिए पहले भी किया था जब चाइना टाउन में, तो वो गाना बहुत नेक्स्ट लेवल पे हम लेके जा रहे हैं. उसके बाद हम आदत नाम का गाना भी इनसे गवा चुके हैं और एक गाना भी. तो आपको पता चलेगा कि उनकी आवाज में जो वर्सिटैलिटी है तो उस वर्सिटैलिटी को हमने जितना हो सके वी हैव ट्राइड टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल. ये तपोंदा है, तपोंदा ने बहुत बड़ा योगदान है रानू जी की करियर में इनका, तो इनके लिए भी जोरदार तालियां. बिकॉज ये